राधे राधे सेवा समिति द्वारा भागवत आश्रम पोटिया कला दुर्ग में 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। यह भगवताचार्य कालेश्वर प्रसाद तिवारी व भगवताचार्य पंडित वरुण तिवारी के श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराया जा रहा है। 15 जून से 5 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा राधे राधे सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित की जा रही है। भागवत आश्रम पोटिया कला में आयोजित इस कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ने क्षेत्र का भ्रमण किया और वापस कथा स्थल पर संपन्न हुई। इस कथा में भगवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी व भगवताचार्य पंडित वरुण तिवारी अपने श्रीमुख से कथा का सार श्रद्धालुओं को श्रवण कराएंगे। कथा के पहले दिन कलश यात्रा में महिलाएं शामिल रही। वही आयोजकों ने व भगवताचार्य ने कथा को लेकर इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। भागवत आश्रम पोटिया कला पावन धाम, जहाँ बड़े सुंदर राधा कृष्ण प्रकट हैं, मेरे भोले बाबा भी प्रकट हैं और हमारे हनुमान जी और शनिदेव भी हैं। और कब से मेरा कार्यक्रम चल रहा है भागवत कथा का छत्तीसगढ़ में, और चारों धाम में भी कथा हुई है ना। आपके द्वारिका में भी कथा हुई, अयोध्या में भी कथा हुई, हमारे प्रयाग में आपकी कथा हुई, कर्ण प्रयाग बद्रीनाथ धाम में, और इधर आए हमारे जगन्नाथ स्वामी के स्थान पर रामेश्वर में भी कथा हुई, और वृंदावन में 7 बार कथा हो गई। ऐसे तीर्थों में कथा हुई, और ये आपके सीतामढ़ी में कथा हुई, अयोध्या से सीतामढ़ी आए, और कथा विशेष चल रहा है पूर्ण रूपेण। हाउ 1111 तक तो हो गया कथा। ऐसे हमारे श्रीवास्तव जी भी कथा कराए, समय 900 कथा हो गई थी, तो कथा लगातार चल रही है। और ऐसे सबके विशेष कृपा सहयोग को लेकर के हमारे पोटिया कला में विशेष भागवत आश्रम का निर्माण हुआ। हाँ, उत्साह तो विशेष है, और 8 साल से यहाँ मैं निवास किया हूँ, दिख रहा है। प्राइवेट रूप से कथा भी होती रहती है, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं। राधे राधे सेवा समिति में हमारे वर्मा जी भी हैं, और हमारे श्रीवास्तव जी भी हैं, अग्रवाल जी भी हैं, साव साहब भी हैं, और रमा दीदी भी लोग हैं, सब हमारे साथ। अब मैं संदेश देना चाहूँगा कि शिव भगवान विशेष है, सबके जीवन पूर्ण होने वाले और सबके दुख को निवारण करने वाले, रोग दुख शोक दूर होता है शिव भगवान। और शिव को मानने वाले में राधा कृष्ण भी हैं, और राधा कृष्ण को मानने वाले शिव हैं। हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में प्रयागराज आपके राजिम धाम, राजीलोचन भी है और कुलेश्वर महादेव भी है, और हमारे शिव सभी जगह है। इसी बात को सबको बताना, और हमारे पिताश्री माताश्री विशेष आशीर्वाद, मेरे 4 भाई बड़े हैं उनके विशेष कृपा रही, छोटे भाई हमारे उनके जी पुत्र हैं, हमारे वरुणेश्वर तिवारी जो भी भागवताचार्य हैं, हमारे परिवार पूरे सब जगह भागवत के प्रचार, शिव पुराण के प्रचार, सभी को संदेशा दे रहे हैं कि सबका मालिक एक वही नारायण, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। और ऐसे कृष्ण भी शिव के हृदय में है, और शिव के हृदय में कृष्ण है। तो ये संदेशा हमारे माता पिता के सिद्धांत रहा, ब्राह्मण कुल में आए तो ब्राह्मण कुल में सबको ज्ञान बांटो भाई, और शिव पुराण भागवत पुराण देव पुराण को लेकर के चलो। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वैसे अरमरी कला जन्म स्थान है, पोटिया कला स्थान बन गया, राजिम जेंद्रा धाम में विशेष स्थान, और सभी जगह कथा होते रहती है, और 1111 कथा हो गई अभी तक। विशेष रूप से संदेशा यही दे रहा हूँ कि सब भगवान में जुड़े, अपने सत्य सनातन धर्म को लेकर के चलें, धर्मांतरण ना करें, अपने धर्म में जो भी है वो पूर्ण ईश्वर तक पहुँचाने वाला है। सदैव से सत्य सनातन धर्म ही चलते आ रहा है, बाद में जो भी निकला वो सब भी, तो हम लोग मना भी नहीं करते, लेकिन जाओ तो जाओ भाई, जहाँ जाओगे बिना जल के नहीं रह पाओगे, और जल को देने वाले मेरे नारायण है। नार मतलब पानी, अयन मतलब घर, नार धन अयन नारायण, ऐसे भगवान, ऐसे नारायण के संदेशा। अब शिव पुराण विशेष हमारे भागवत आश्रम में, तो 20 तारीख को जन्मदिन भी है और रथ यात्रा भी है, तो मेरे मन में विचार हुआ अपने स्थान में राधे राधे सेवा समिति सभी महात्मा के द्वारा बड़े सुंदर एक सत्संग हो जाए, शिव पुराण को लेकर कथा हो जाए, और कथा मिटाती है जीवन की व्यथा। इसलिए मैं सबको लेकर के, और सभी लोग बड़े साथ दिए हैं, आनंद आया। 5 दिन कथा चलने वाली 5 दिवसीय शिव महापुराण है, रथ यात्रा को रथ निकालेंगे उसी दिन यज्ञ हवन समापन होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 17 वर्ष की आयु में मैं कथा आरंभ किया था,
और माता पिता गुरु के आशीर्वाद से सभी के प्रेम को लेकर के 70 से ऊपर कथाएं अभी तक मैं कर चुका हूं। हमारी कथा अयोध्या नैनीताल छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ से बाहर भी मैं कथा करने जाता हूं और आप सभी के आशीर्वाद से हमारे भागवत आश्रम में पंचदेवशी शिव महापुराण की कथा आयोजित है। मैं आप सभी भक्त प्रेमी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी इस कथा में आएं, कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनावें। भागवत आश्रम बोरसी से आगे जाएंगे, गणपति विहार जब क्रॉस करेंगे आप पोटिया तरफ जाएंगे, द्वारका देवी के बिल्कुल सामने भगवतरसम स्थित है। यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, बजरंगबली मंदिर, शनि मंदिर है, सारे देवताओं का एक स्थान है। हम चाहते हैं कि भागवत आश्रम जो है वो आप लोग जाने और पूरे भारतवर्ष में भी शिव महिमा बहुत जोर शोर से चल रही है। इसी उपलक्ष्य में हमने भी सोचा कि हम भी शिव का थोड़ा गुणगान कर लें, इसलिए हमने पंचदिवसीय शिव महापुराण की कथा स्टार्ट करी है, जो कि 15 जून 2023 से 20 जून 2023 तक चलेगी। इसमें प्रमुख कथा प्रवक्ता भागवताचार्य पंडित कालेश्वर प्रसाद तिवारी और पंडित वरुण तिवारी दो हैं। 15 तारीख को स्टार्ट होगी, 15 तारीख को कलश यात्रा है, 18 तारीख को विशेष शिव पार्वती विवाह उसका आयोजन है और 20 तारीख को कथा का समापन है भोग भंडारा के साथ। सभी धार्मिक बंधुओं से अनुरोध है कि आके कथा का रसास्वादन करें और शिव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहरहाल पूरी भव्यता के साथ भागवत आश्रम पोटिया कला में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा, वहीं समापन पर भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।